हेलो एवरीवन, आई एम संजय एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन बायोलॉजिक्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड्स और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के बारे में। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी जहां पे हमने एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एलिफेटिक अमीनो एसिड्स और एसिडिक एनामाइड अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ जा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज हमारा हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड्स और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के बारे में। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच अमीनो एसिड गेट्स फॉस्फोराइलेटेड, विच अमीनो एसिड हैज़ ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन प्रॉपर्टी, एंड थर्ड क्वेश्चन इज विच अमीनो एसिड कैन बी आयोनाइज्ड बट नेवर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोटीन। ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि आयोनाइज तो हो सकता है, ठीक है, आयोनिक फॉर्म में हो सकता है उसका ग्रुप आर ग्रुप, लेकिन फिर भी वो प्रोटीन के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है? तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड से। तो जो हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, हाइड्रोक्सिल का मतलब ऐसा अमीनो एसिड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि OH ग्रुप होता है। तो ये जो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पोलर होते हैं, पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पोलर ग्रुप प्रेजेंट होता है OH। दूसरा, ये लेकिन अनचार्ज्ड होते हैं, ठीक है। और तीसरा, क्योंकि इसमें पोलर ग्रुप है इसलिए हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीन की। तो सीरीन का ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसका जो R ग्रुप है उसमें CH2 और OH प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद थ्रियोनिन, थ्रियोनिन में क्या होता है कि सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। और फिर आता है तीसरा स्ट्रक्चर जो कि है टायरोसिन का, ठीक है, उसमें एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है। ये जो टायरोसिन है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में भी आता है। अब जो खास बात है इन अमीनो एसिड्स की जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये तीनों अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपने पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पढ़ा हो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है। कि जब भी कोई प्रोटीन, नया प्रोटीन सिंथेसाइज होता है सेल के अंदर ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, तो क्या होता है, वो नया नया प्रोटीन जो होता है ना वो इनएक्टिव होता है एक्चुअली में, ठीक है, फंक्शनल नहीं होता। वो फंक्शनल और एक्टिव कब बनता है? जब उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मतलब ट्रांसलेशन के बाद, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद उसमें अलग से मॉडिफिकेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। तो वही पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है, और उनमें ये अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या होता है? तो जो प्रोटीन होता है ना उसमें तो अमीनो एसिड्स होते हैं बहुत सारे, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। तो क्या होता है कि उसमें जो अमीनो एसिड्स, कुछ कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो एज अ साइट एक्ट करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन में अगर सीरीन प्रेजेंट होगा तो उस सीरीन का फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हाँ, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स कैन बी फॉस्फोराइलेटेड। ऑप्शन में दे रहेगा सीरीन, एस्पराजीन, एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड। तो उसका आंसर क्या देंगे आप? सीरीन, क्योंकि आपने आज यहाँ पे पढ़ लिया है। तो सीरीन फॉस्फोराइलेशन हो सकता, सीरीन का फॉस्फोराइलेशन हो सकता है या इसका ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है। दूसरा जो थ्रियोनिन है उसका भी फॉस्फोराइलेशन हो सकता है या ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है। और तीसरा जो टायरोसिन है उसका फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। तो फॉस्फोराइलेशन उन उन अमीनो एसिड हो सकता है जहाँ पे ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके अलावा 20 जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उनमें सिर्फ यही तीन ऐसे अमीनो एसिड है जिनका फॉस्फोराइलेशन होता है, लेकिन इन तीनों को छोड़ के बस एक और अमीनो एसिड है जिसका फॉस्फोराइलेशन होता है, वो होता है हमारा हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन। तो टोटल 4 अमीनो एसिड ऐसे हैं, सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन और हिस्टिडीन, जिनका फॉस्फोराइलेशन होता है बस। तो अब हम चलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स की तरफ, ठीक है। तो उसमें पहला जो है वो है सिस्टीन और दूसरा है मिथियोनिन। तो हम सिस्टीन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं।
तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सल्फर ग्रुप होता है, दोनों में ही सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, सिस्टीन में भी और मिथियोनिन में। तो कि ये जो सिस्टीन है, ये जो सल्फर ग्रुप है ना, ये थायोल ग्रुप बोलते हैं इसको, थायोल ग्रुप, ठीक है, थायोल ग्रुप। तो ये या तो थायोल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या ये सिर्फ इसी को हम समझेंगे ऐसे इधर निकाल के, या ये थायोलेट ग्रुप आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, थायोलेट आयन, ठीक है, या तो ये इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में। अब जैसे कि आपको मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि विच अमीनो एसिड कैन बी आयोनाइज्ड बट नेवर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, तो ये वही अमीनो एसिड है सिस्टीन, ये आयोनाइज हो जाता है थायोलेट आयन के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और थायोल ग्रुप के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, मतलब एक आयोनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी ये जो सिस्टीन होता है वो प्रोटीन के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता कभी भी। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो प्रोटीन होता है, मैंने आपको समझाया था अपनी पुरानी वीडियो में, ठीक है, जो प्रोटीन होता है उसके सरफेस पे, मान लो सरफेस पे ये है आपका कोई हाइड्रोफिलिक प्रोटीन, ठीक है, ओके, तो क्योंकि ये आयोनाइज हो सकता है लेकिन फिर भी ये इसके सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके आसपास कैसा एनवायरनमेंट है, हाइड्रोफिलिक है ना, हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट में है ये प्रोटीन, तो ये आयोनाइज हो सकता है लेकिन फिर भी सरफेस पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो इसमें क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है, और जो सल्फर होता है ना उसकी जो प्रोपेंसिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वो बहुत कम होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है, तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर की जो प्रोपेंसिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वो बहुत कम होती है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की, ठीक है, इसीलिए ये कभी भी सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता और हमेशा ये प्रोटीन के अंदर की तरफ इनसाइड में बरीड होता है, तो इसीलिए ये प्रोटीन के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता। अब मैं आपको इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ, ठीक है, तो सिस्टीन, अब जब प्रोटीन का जब क्वार्टनरी फॉर्मेशन बनता है ना, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जब बनता है प्रोटीन का, मान लो कि एक है आपका अल्फ़ा हेलिकल ये और दूसरा है अल्फ़ा हेलिकल ये, दो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो सिस्टीन होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दो अल्फ़ा हेलिकल्स को आपस में लिंक करने में, ठीक है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाने में। तो जैसे मान लो यहाँ पे आपका सिस्टीन है और यहाँ पे भी आपका सिस्टीन है, ठीक है, तो क्या होता है जब आसपास दो सिस्टीन प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डाईसल्फाइड बॉन्ड, देख रहे हो, इसके पास सल्फर ग्रुप था, ऐसा ही एक सिस्टीन यहाँ पे दूसरे अल्फा हेलिकल के पास होगा, तो इन दोनों ने क्या किया, हाइड्रोजन को लूज़ किया और आपस में बॉन्डिंग बना ली, तो इसी को बोलते हैं हम डाईसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, तो एक जैसे और उसको एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं हम, तो क्या होता है, जैसे मान लो एक तो हो गया ये HCOO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव और इसी के साथ दूसरा सिस्टीन जुड़ गया, ठीक है, सी अल्फा NH3 पॉजिटिव H और COO नेगेटिव। तो अब देख रहे हो आप कि यहाँ पे दो सिस्टीन एक साथ प्रेजेंट हैं जिन्होंने आपस में डाईसल्फाइड बॉन्डिंग बना रखी है, तो इस फॉर्म को हम जो नाम देते हैं वो देते हैं सिस्टाइन, ठीक है, और अगर सिर्फ एक सिस्टीन होगा तो उसको सिस्टीन बोलेंगे, दोनों की स्पेलिंग अलग होती है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग होती है, इसको सिस्टीन बोलते हैं CYSTINE, और अगर दो एक साथ प्रेजेंट होंगे सिस्टीन तो उसको सिस्टाइन बोलेंगे। तो ये होता है थोड़ा सा सिस्टीन के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जल्दी से मिथियोनिन के बारे में, ठीक है, तो जो मिथियोनिन होता है वो वन ऑफ द मोस्ट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होता है,
ठीक है, और इसमें भी सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था सिस्टीन और मिथियोनिन के बारे में। मिथियोनिन के बारे में ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है, और ये उतना ज़्यादा खास अमीनो एसिड है नहीं। ठीक है, मतलब वैसे खास है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड नहीं आते। और बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसे दो अमीनो एसिड हैं जिसमें सल्फर प्रेजेंट होते हैं, सिस्टीन और मिथियोनिन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से अमीनो एसिड में सल्फर होते हैं, दो दो का पेयर दे देंगे आपको, सिस्टीन मिथियोनिन, सिस्टीन प्रोलिन, ठीक है, मिथियोनिन एस्पार्टिक एसिड, तो आपको क्या चूज़ करना है, सिस्टीन और मिथियोनिन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आज आपको सबको समझ में आया होगा। अगर सबको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे जो पहले वाली वीडियोज़ हैं जहाँ पे हमने बाकी के केमिकल फैमिलीज़ के बारे में डिस्कशन किया है, आप जाके उन वीडियोज़ को भी देखिए, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।